evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. बड़ा लेट से आते हो यार। सर हम लोग ज्वाइन है सर, मुझे एक्चुअली सुबह सर क्लास लेट से छूटा हम लोग का। हम आए थे तो रवि रंजन बताया हमको, तो फिर हम तो क्लास करके आओ। ठीक है, म्यूट करके रखो सब लोग। तो पिछला बार हम लोग यहाँ पे छोड़े थे, हम लोग एरे का कुछ रूल देख रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिकैप करके स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 था कि हमको एरे का टाइम, जब हम क्रिएशन का जो टाइम होगा एरे का, उस समय हमको उसका साइज देना अनिवार्य है, नहीं तो हमको एरर आएगा, वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि हम किसी एरे को साइज 0 के साथ बना सकते हैं। ठीक है, साइज 0 के साथ बना सकते हैं, वैलिड है। और इसका जब लेंथ यूज करेंगे, लेंथ निकालेंगे तो हमको 0 आएगा। रूल नंबर 3, इफ यू आर टेकिंग एरे साइज नेगेटिव देन इट विल जनरेट अ रन टाइम एरर। रूल नंबर 4 कि ऑल द, देखो कुछ वेरिएबल है जो इम्प्लिसिटली प्रमोट हो सकता है। इस पे बहुत अच्छा सवाल तुमसे पूछेंगे, लास्ट में याद दिलाना। तो अगर मान लो हम int नाम का एरे बना रहे हैं, int वेरिएबल का, int टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल एरे बना रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ना वो होमोजेनियस टाइप का है, तो इंटीजर ही स्टोर करना चाहिए। बट वो इंटीजर के अलावा, इंटीजर के ठीक पहले वाला हिरार्की में है ना, वाइट शॉर्ट और इधर कैरेक्टर और इंटीजर, ये सब जो इम्प्लिसिटली प्रमोट हो सकता है वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 4। ठीक, और एक रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है कि किसी भी एरे का जो साइज होता है, the size of array, the maximum size of array is, क्या था जी int का मैक्सिमम लिमिट क्या था? 21, 47, 48, 36, 47। वही इसका होगा मैक्सिमम एरे का साइज 21, 47, 48, 36, 36 and 47। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एरे का साइज यही होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो आइडिया है ना, जैसे मान लो कि तुम सी में, अगर तुम सी या C++ में एरे क्रिएट करते थे तो क्या होता था? मान लो हम सी में कैसे लिखते थे, मान लो लिखते हैं int a और 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ इस तरह का काम होता है। देखो, हम अगर मान लो टेबल बनाते हैं 5 रो और 4 कॉलम, कुछ इस तरह का एरे हमको बन के मिलता था। ठीक है, जिसको बोलते हैं लोग कि दैट इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, जिसमें हर रो नंबर के लिए कॉलम नंबर फिक्स होता था, ये कंडीशन था। बट जावा में ऐसा नहीं होता। इसको हटाते हैं। जावा में क्या होता है, टू डायमेंशन एरे क्रिएशन, ठीक है। तो इन जावा मल्टी डायमेंशनल एरे आर इम्प्लीमेंटेड एज अ एरे ऑफ एरे, ठीक है, एरे ऑफ एरे अप्रोच, ठीक है, नॉट मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम हर रो में नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली सेम रखें, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। बड़ा जबरदस्त आइडिया है। जैसे मान लो कि 2 डायमेंशनल एरे में हमको डेटा रखना है, क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं कि तुम जितना सब्जेक्ट ऑप्ट किए हो उसका मार्क्स रखना है, जितना सब्जेक्ट तुम ऑप्ट किए हो सबको मार्क्स रखना है। और सब लोग का नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नहीं है, सब लोग का नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो ऑप्ट किए हो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हम 4 कॉलम का एरे बनाते हैं और किसी का 1 ही सब्जेक्ट है, किसी का 2 सब्जेक्ट है, तो बाकी 2 वाला जगह जो है वो मेरा वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो डबल डायमेंशन एरे अप्रोच जो जावा यूज करता है, इसका मेन एडवांटेज इज मेमोरी सेविंग, ठीक है, मेमोरी सेविंग। और ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एरे ऑफ एरे का क्या कंसेप्ट है। देखो, मान लो हम एक एरे बना रहे हैं, आई एन टी ये वाला हो गया और ऐसा हो गया। आई एन टी का नाम दिए ए बराबर न्यू आई एन टी 2, ठीक है, ऐसा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का काम हो रहा है कि बेस जो है ना वो 2 बन रहा है, कुछ ऐसा। एक बार हम तो पहला डायमेंशन जो है वो 2 लोकेशन का बन गया, ठीक है। इसका मतलब कि इसके आगे जो बनेगा वो लिंक्ड अप होगा इससे और इससे भी। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिखते हैं ए जीरो, मतलब हम इस 0th लोकेशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। A0 बराबर न्यू, अब हम लोग 2nd वाला डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू INT ब्रैकेट में 3, ठीक है। और लिखते हैं A1 बराबर न्यू INT ब्रैकेट में 2, ठीक। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये बोले सर, ये जो A0 लिए हैं सर उसमें 3 कॉलम होगा सर, जो कि ये जो A1 लिए इसमें 2 कॉलम होगा सर। हाँ बिल्कुल, कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है सर। हाँ, तो अब हमको देखो, हम लोग बहुत आराम से इस तरह का बना पा रहे हैं जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। यस सर, इसमें डिफरेंट टाइप हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट ले सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू आवर। ये हो गया 3 वाला और ये हो गया हमारा 2 वाला, ठीक है। अब इसमें ऐसा सिस्टम है कि ये लोकेशन जो है इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, और ये लोकेशन जो है वो इसको पॉइंट करेगा। ये आरे बन गया मेरा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, मान लो यहीं पे लगातार हम 3 देते थे तो क्या होता, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता। अगर हमको अलग अलग बनाना है तो यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दे सकते, हमको इंडिविजुअली हर सेल में जाके, हर इंडेक्स पे जाके उसका दूसरा डायमेंशन को क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है सर? सर जो 0 और 1 है सर, तो यहाँ पे जो कॉलम दिए वो जो 0 का है, जो 2 बनाए थे रो के लिए, हाँ सर, तो उसमें जो एरो का साइन दिखाया सर, उसमें 0 और 1 में तो ऐसा उल्टा हो गया ना। नहीं समझे, देखो 0 है ना ये वाला, यस सर, ये पोर्शन 0 है तो A0 में नीमा 93, मतलब इसमें हम लोग 3 एरे क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा कि 3 एरे क्रिएट हुआ, इसका रेफरेंस यहाँ छोड़ दिया। A0 को तुम प्रिंट कराओगे तो इसका रेफरेंस एड्रेस विद द क्लास नेम प्रिंट करेगा। समझ गए सर? तुम क्या पूछे थे सर? हाँ 0 एड्रेस हो गया ना। हाँ बिल्कुल, वैसा डबल डायमेंशन में C++ में हम लोग नहीं करते थे। ये अगर मान लो सिंगल डायमेंशन था तो जो इंटीजर, जो वेरिएबल का एरे का नेम होता था, उससे उसका एड्रेस प्रिंट हो जाता था। और डबल डायमेंशन में अगर फर्स्ट डायमेंशन में कुछ वैल्यू देते थे तो उस रो का बेस एड्रेस प्रिंट होता था ना। यस सर, 0 पर फर्स्ट कॉलम चला गया, सेकंड पे सेकंड कॉलम चला गया। हाँ एकदम एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ भी। अंतर C++ से अंतर यही है कि वहां पे मैट्रिक्स जैसा बनाते थे और ये मैट्रिक्स जैसा ना बना के इस तरह का बनाते हैं। ठीक, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। मालूम लिखते हैं INT ओके A बराबर न्यू INT टू, ऐसा बना दिए। इसका मतलब 2 बेस है, मतलब बेस एड्रेस मेरा 2 है, बिल्कुल ये वाला। ठीक, अब क्या करते हैं, A0 बराबर न्यू INT 3 किए, तो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ जिसे हम बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको दूसरा डायमेंशन भी देना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। ब्लैंक रखेंगे इसको, ओके। अब हमको कैसा हो रहा है, देखो कुछ सिस्टम ऐसा बन रहा है, A का 3 बनाए थे तो इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। नहीं, A तो 2 ही ना है, बेस एड्रेस तो 2 ही है, चलो ठीक है। ये 2 का बनाए, 2 का बनाने के बाद A0 में जाके 3 बना दिए, दैट्स गुड। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि A00 में जाके हम बना दे रहे हैं कुछ और वैल्यू, मान लो लिखते हैं न्यू INT 00 में हम लोग क्या दे दिए, न्यू INT 1। मतलब कि हम यहाँ पे सबसे पहले 0 में 3 बना लिए, ठीक है, 3 बना लिए, 3 बन गया। अब इसका 0 और इसका 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाए हम लोग, 1 यहाँ बना दिए, ठीक है। ये बन गया, इससे इसके साथ रिलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब हम उसके बाद हम क्या करते हैं, A01 बराबर न्यू INT टू। तो अब देखो तो जीरो वन कौन सा, ये जीरो है ये वन है, इसमें हम दो बना रहे, दो इंडेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको दो इंडेक्स ऐसे समझ लें, इसमें दो इंडेक्स बना रहे हैं, ठीक है। हमारा हो गया जीरो वन बन गया, अब जीरो टू बनाते हैं, ए जीरो टू बराबर न्यू आई एन टी थ्री। तो जीरो ये जीरो वन टू ये वाला, और उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, थ्री बना रहे हैं, मतलब थ्री यही है थ्री, ऐसा ही वाला बना रहे हैं। ऐसा बनाए, और इसको कौन रेफर करेगा, इसको ये रेफर करेगा तीसरा वाला, ठीक है। ये बना दिए हम लोग। इसके बाद लिखते हैं ए वन बराबर न्यू आई एन टी टू टू। तो हम ए जीरो में चल रहे थे अभी, इसमें अब ए वन का बात कर रहे हैं। ए वन में न्यू आई एन टी 2,2, तो 2 तो हो गया यहाँ, इसमें भी 2,2, मतलब कि ऐसा, ठीक है। ये कुछ एरे ऐसा बनेगा, ये इसको ठीक है, और एक इसी तरह का ये इसको, ठीक। तो ये इस तरह का एरे हम लोग का बना, ठीक है। यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं जैसे लिंक लिस्ट लग रहा है ऐसा। इससे क्या फायदा है, देखो हम लोग बेस साइज 2 रखे हैं और जीरोथ साइज में हम लोग 3 और यहाँ पे हम लोग 2, तो वेरिएबल हो गया ना अलग अलग दृष्टि से, यस सर, ठीक है। वेरिएबल वो पॉइंटर वाला जो था ना है वैसे ही, अभी हम तुमको दिखाएंगे। जैसे मान लो कि 1 मिनट हम दिखाते तुमको, सर ऐसे पढ़ाते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूम तो होता है बनाने में, लेकिन समझ में बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए देखे तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है, और हमको भी ऐसे भी तो कंटेंट टाइप करना ही पड़ता है। yes, तो मेरा वैसे जो लग रहा था लेबर नहीं लग रहा है, यही टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं इसको सेव कर ले रहे हैं और इसी से फिर हम तुम लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा अरेंज करके फॉर्मेटिंग करके, ठीक है। क्लास टेस्ट आ रहे, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं INT A, ऐसे नहीं, हम लोग जो एक फॉर्मेट है ए बराबर है, ठीक है सर। कौन बोल रहा, प्रशांत? हाँ क्या प्रशांत? नहीं सर हो गया, ठीक है। अब देखो हम ए तो बना लिए 2 का, ठीक है। अब इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं और वैल्यू प्रिंट करके दिखाएंगे तुमको। लिखते हैं ए 0 equal to a0 equal to 5। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। प्रिंटफ लिखने का इतना खराब आता था ना, सिस्टम डॉट सही बोल रहे हैं सर, हम भी कभी प्रोग्राम प्रिंट ऐसे कमांड में अब जाते हो जावा और पाइथन। ठीक है, तो गलती से बार बार वहां पे सेमीकोलन लग जा रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं जस्ट ए। ठीक है, फिर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ब्रैकेट में 0। ओके, पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है, तो जेवीएम स्टार्ट होने में टाइम लगता है। जेवीएम स्टार्ट होता है, फिर कंपाइल करता है, फिर मेन थ्रेड शुरू करता है। यस, जावा टेस्ट अरे देखो, ये तो क्लास हो गया इंटीजर का, जो हम लोग बोले थे, है ना। ये ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट है और आई, दैट इज द क्लास ऑफ इंटीजर अरे। और ये @ 1DB9742, ये हेक्साडेसिमल में उस एड्रेस का, इसका जो मेमोरी है जो, ठीक है, उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म में हैश कोड जनरेट करता है, वो दिखाता है हमको। ठीक है, अगर डबल डायमेंशन होता, जैसे मान लो इसको ऐसा करें, कहाँ गया, इसको हम 2 डायमेंशन बना देते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 2, मतलब बेस भी 2 और दोनों में 2 2। ठीक है, तो A0 0 0 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, हम एक और सिस्टम डॉट प्रिंट लिखाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए कॉलम छोड़ दिया है सर, 0 1 मिनट, 1 0 और 1 और 0। हाँ, क्या छूट गया, सेमीकोलन सर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये तो वैल्यू प्रिंट कर गया, ये वाला हमको देगा लोकेशन पहला वाला का, और ये दूसरा वाला का देगा। देखो, ठीक है, ये बेस का हो गया एड्रेस, ये सेकंड वाले का, ठीक है, उसका जो हैश कोड है इन हेक्साडेसिमल, और तीसरा वाला हमको पहला जगह का प्रिंट कर दिया डेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। ओके, अब हम वापस तुमको चेक करवाते हैं कि तुम कितना समझे हो। तो लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन आर वैलिड। ठीक है, पहला लिखते हैं INT A बराबर न्यू आई एन टी, दूसरा देखो बड़ा आई हो गया, ठीक है। दूसरा लिखते हैं आई एन टी डबल डायमेंशन ए बराबर न्यू आई एन टी 3 4, ओके। एक और लिखते हैं आई एन टी ए बराबर न्यू आई एन टी 3, इधर वाला खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 नंबर में आ जाओ, आई एन टी ए बराबर अच्छा इधर वाला खाली छोड़ते इस बार, न्यू आई एन टी पाँच नंबर में लिखो, 3 डायमेंशन कर लेते हैं, 2 3 ए बराबर न्यू आई एन टी 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें ले लेते हैं 3 और इसमें ले लेते हैं 4, उसी को बना लेते हैं 4, इसको खाली छोड़ देते हैं। एक और लेते हैं आई एन टी ए बराबर न्यू आई एन टी 1 2 3, यहाँ कर लेते हैं 3, यहाँ 4, यहाँ 5, एक हो गया। एक और लेते हैं, लास्ट रहेगा 1 2 3, ए बराबर न्यू आई एन टी 1 2 3, तो इसमें लिख सकते हैं 3, इधर इसमें खाली छोड़ देते हैं और इसमें कर देते हैं 5, हाँ। और तो नहीं बन रहा है, इधर हो गया, ठीक। अब बताओ इसमें से कौन सा वैलिड लग रहा है, कौन सा इनवैलिड है? पहला वाला सर करेक्ट है सर, वैलिड है सर, वैलिड है सर वाला, सब 4 इनकरेक्ट है सर। पहला वाला इनवैलिड क्यों? क्योंकि हम लोग रूल जो पढ़े थे, पहला रूल जो पढ़े थे उसमें यही पढ़े थे कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मतलब एरे को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको उस समय उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, अदरवाइज कितना साइज का बनेगा, ठीक है। yes. ये डिक्लेरेशन ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, ये डिक्लेरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन है, 3 पार्ट है ना। तो जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको वहां पे वैल्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। पहला तो हो गया। दूसरा वाला देखो, परफेक्टली ऑल राइट है, वैलिड है सर, 2 दिया गया है और दोनों दे ही दिए, तो छूटा ही नहीं कुछ। अच्छा, तीसरा वाला में देखो, 2 है और बेस दे दिए हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे तो एरर नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। अभी देखो क्या किए थे हम लोग नोटपैड में, तो यहाँ 2 किए थे। तो अगर मान लो इसमें हम वैल्यू नहीं देते हैं और इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे ना, तब अरे तब हमको पहला वाला खाली नहीं होना चाहिए, हाँ पहला वाला खाली नहीं होना चाहिए, वो तो बेस है। यस सर, तो दिस इज आल्सो वैलिड। ये वाला देखो इनवैलिड, बेस से नहीं पता है। यस सर, ठीक है। यहाँ वाला वैलिड है, वैलिड है सर, ओके। ये वाला 6 भी वैलिड है, वैलिड। ये वाला वैलिड है, वैलिड है। अब देखो ये रेफरेंस लिए हुए इसका, ठीक, इसके नीचे और भी है, तो ये वैल्यू लिए के रेफरेंस लिए हुए अपने नीचे वाले का रेफरेंस लिए हुए, ठीक है। तो अगर मान लो हम बेस एड्रेस 3 बना लिए, तो 3 तो बना दिए खाना यहाँ पे, है ना, 3 तो खाना यहाँ ऐसा बना लिए, कहाँ गया 1 1 2 3 बन गया ना। अब इसमें सबसे नीचे वाला तो 5 है, मतलब यहाँ 5 है, बीच में कितना है, तो आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग। तो इस वैल्यू के लिए तो बेस यही ना होगा, यस और नो? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो हम इसको इनवैलिड मानेंगे। ओके सर, ठीक है। कहने का मतलब ना कि हम बेस बीच वाला, हाँ देखो, तीन का बेस एड्रेस 3 लगाए ना, तो ये हम मान लो 3 बन जाता। इसी को समझो ना, ये है मेरा, ओके, इसके बाद सेकंड डायमेंशन में ये वाला आ रहा है, इसका वैल्यू, और इसके बाद हमको ये वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू तो ये स्टोर हो रहा है फाइनली, जो मेरा जो लीफ नोड है वहां पे। इसका एड्रेस यहाँ रख रहे हैं, इसका एड्रेस यहाँ रख रहे हैं, इस पूरे का इसका एड्रेस यहाँ रखा हुआ है, वो डाटी हैश कोड, ओके, और इसका हैश कोड यहाँ रखा हुआ है, इसका हैश कोड यहाँ, इसका हैश कोड यहाँ पे। तो यहाँ हम दे रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं, बीच वाला नहीं दे रहे हैं। तो बीच वाला जो है इसके लिए तो बेस यही ना है, सबका बेस, मेन बेस ये है, लेकिन जो तीसरे डायमेंशन पे उसके लिए बेस ये है, तो वो चाहिए, बगैर उसके क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। ये भी नहीं देंगे ना, ये भी नहीं देंगे, तब ये रन कर जाएगा, ठीक है। अगले हम बेस दिए हैं, अगले बार में हम उसको देंगे, लेकिन हम बीच वाला छोड़ के अगर यहाँ दे देते हैं तो डेट विल इनवैलिड, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करें, तो अच्छा एक चीज नोट कर लेना, देखो हम लिख देते हैं नोट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट करते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और वो हमको जो वैल्यू देगा वो कैसा देगा, देखो, क्लास नेम @ हेक्साडेसिमल हैश, ठीक है, यही दिया था हम लोग को यहाँ पे, देखो है ना, क्लास नेम दिया, डबल डायमेंशन था तो डबल डबल दिया, यहाँ सिंगल था, क्लास नेम, ठीक, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब हम लोग, अच्छा एक और एग्जांपल दिखाते तुमको, INT एरे एरे ए बराबर न्यू INT एरे टू हेक्साडेसिमल हैश, क्या वजह है सर? वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना। कौन सा? नोट वाला। हम बोल दिए थे, पूरा लिखे नहीं थे, है ना, वही पूछ रहा, ओके सर, वही पूछ रहा था शमशेर। हाँ, नहीं तो हम लिखे थे कि whenever we call the we try to print the object reference of any class, then the two-string method will automatically called, implicitly called, and it will return the value something like that. The class name किस class का है और उसका object का जहाँ store है, ठीक है, object कहाँ store होता है पता है? कहाँ store होता है? Primitive data type कहाँ store होता है? Object कहाँ store होता है? Any idea? The system class में sir. ऑब्जेक्ट तो सर क्लास में होगा। मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है? देखो मेमोरी में, अच्छा हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कौन सा वेरिएबल कहाँ डिफाइन करेंगे, तो उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। ऐसे बता देते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जितना वैल्यू है ये सिस्टम स्टैक में स्टोर होता है, ठीक है, मेमोरी में, और जितना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितना रेफरेंस टाइप का है, सारा का सारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। चलो तो क्या सोचे थे अभी, ठीक है, चलो ऐसा कुछ करना है, IIT A बराबर 2 3, तो हम कह रहे हैं क्या, ये बेस साइज क्या है मेरा? 2 है, बेस क्या है? 2, ओके। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेना, तुम करके देखना। अगर मान लो इसको हम प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, मतलब ए को प्रिंट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल इस तरह का। कैसा आएगा देखो, ये हो गया डबल डायमेंशन है तो डबल वाला ये और कैपिटल आई, ठीक है। और इसके साथ एट द रेट कुछ हेक्साडेसिमल में कोड आएगा, समथिंग इन हेक्साडेसिमल। और जब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, सिर्फ एक क्लास का नाम आएगा ये, सॉरी कैपिटल, और एट द रेट हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है ना। एनी डाउट? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो ना। सर यहाँ पे बोले आपकी जो फर्स्ट बेस एड्रेस हम प्रिंट करेंगे तो हेक्साडेसिमल कुछ समथिंग आएगा उसके साथ, और नीचे में बिल्कुल यही तो करके दिखाए ना, वही तो लिखे हैं यहाँ पे। देखो ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग डबल डायमेंशन था ना, तो सबसे पहले हम बेस का एड्रेस प्रिंट किए, ठीक है। तो इस बेस एड्रेस में दो था, मतलब दो मेमोरी लोकेशन बना था और दोनों में दो दो था, ठीक। तो ये क्या था कि डबल केस आया इसके लिए। जब हम जीरो में आके प्रिंट किए तो हम किसको प्रिंट कर रहे थे, देखो हम जब जीरो प्रिंट कर रहे हैं तो इसको प्रिंट कर रहे हैं, हम जब जीरो प्रिंट कर रहे थे इसको प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन को। और ये क्या स्टोर किए हुए है, अपने नेक्स्ट वाले का हेक्साडेसिमल, उसका लोकेशन मेमोरी का हेक्साडेसिमल हैश कोड। तो हम जब ए को प्रिंट करेंगे, ए जो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ए जो है, ए किसको पॉइंट कर रहा है, ए इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। और ये इसको कौन सा पॉइंट कर रहा है, ए ब्रैकेट में जीरो, सॉरी वो लिखा गया जीरो, ये ए जीरो इसको कर रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ए अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमको इसका हैश मिलेगा, इसका हैश मिलेगा और क्लास मिलेगा, तो क्लास में डबल डबल आ जाएगा। और इसको प्रिंट कराएंगे, डबल डायमेंशन है, इसको प्रिंट कराएंगे तो हमको इसका लोकेशन मिलेगा जहां रख रहे हैं, और बाकी हमको एक क्लास का लोकेशन मिलेगा, ठीक है। ये जहां स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है ए में, और इसका लोकेशन स्टोर हो रहा है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, दैट इज ए जीरो, ठीक है। तो यही आया है मेरा, पहला वाला है बेस एड्रेस और दूसरा वाला है जीरो का लोकेशन, मतलब सेकेंड वाले एलिमेंट का लोकेशन, और उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, ठीक है। ओके और ठीक है, वंस वी क्रिएटेड एन एरे, all elements by default initialize with डिफॉल्ट वैल्यू। हम लोग जब वेरिएबल पढ़ रहे थे डेटा टाइप, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन सा डेटा टाइप किस तरह के डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता है अपने आप। जिसमें था तुम्हारा जितना इंटीजर टाइप है सब जीरो से, फ्लोट और फ्लोट से 0.0, और हम उसी 0.0 को डबल में भी लिख देते हैं और लिखते हैं एल हो गया, मतलब एल लिख देते हैं उसको दिखाने के लिए, ठीक है। और कैरेक्टर स्पेस दैट इज जीरो, सॉरी कैरेक्टर भी मेरा चूंकि इंटीजर टाइप का ही है, बेस इंटीजर है मेरा, दैट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। और स्ट्रिंग नल क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का है, रेफरेंस टाइप है, और रेफरेंस टाइप का कोई भी होगा तो वो नल रखेगा। कहने का मतलब एक क्लास बनाओ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे1, और ओबीजे1 को देखोगे ना, अगर उस obj1 का जो लोकेशन होगा और प्रिंट कराना चाहेंगे तो नल प्रिंट करेगा वो ठीक। ओके तो अगर मान लो हम ऐसा करते हैं int a बराबर न्यू int थ्री, ठीक है, और बगैर वैल्यू रखाए हुए अगर हम सिस्टम एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर हम प्रिंट करना चाहें ए जीरो तो क्या प्रिंट करेगा? जीरो सर, जीरो प्रिंट करेगा, ठीक है। ओके ठीक है तो यही था और इसके बाद ओके ठीक है अगर मान लो कि हम इसको लिखते हैं एसओपी ए और ब्रैकेट में लिखते हैं 0 1 2 हम लिखते हैं 4 तो क्या होगा? जीरो ही प्रिंट करेगा सर। कैसे? हम इंडेक्स हम लोग कितना साइज का बना है? अरे सॉरी सर 3 सर, यहाँ पे एरर देगा सर, एरर देगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ 3 बाइट का ही ना बना है सर, साइज ऑफ एरर 3 दिए हैं यहाँ पे, साइज हम दिखे हैं 3 मतलब इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 और 4th इंडेक्स दे रहे हैं तो नहीं काम। हाँ तो ये मेरा रन टाइम एरर आएगा और बोलेगा कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। यस सर ठीक है चलो यहाँ तक तो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन। तुम जो पिछले क्लास में तुम नीतीश पूछ रहे थे ना कि कैसे स्टोर होगा उसी के बारे में, तो डिक्लेरेशन करना है और हमको कंस्ट्रक्ट करना है इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ एरे एंड इनिशियलाइजेशन, सब एक साथ कैसे करें, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही सर, 6 बजे से क्लास है। 6 बज गया? यस सर। अब 6 बजे किसकी क्लास है जी? सर 6 बजे के बाद किसका क्लास हो रहा है? नो सर कोई क्लास नहीं है सर, मेरा 31 जनवरी से देख लो 5 to 7 PM का मेरा क्लास लग गया है सर। क्या बोले सर? मेरा 31 जनवरी से मेरा 5 to 7 PM तक मेरा क्लास हो गया सर, 2 घंटा का जावा। 5 to 7? यस सर जावा का सर। किसका? कौन करेगा? विप्रो सर। अच्छा वो लोग क्लास लगे? यस सर 5 to 7 सर। क्या बात, चलो हम लोग का तो नहीं आया।